बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इंडोनेशिया के बाली में दुनिया भर के प्रमुख नेताओं का G20 सम्मेलन खत्म हो चुका है। इस सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चली वार्ता की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो के बारे में क्या है खुलासा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये वही ट्रूडो है जिनकी वजह से कहा जाता है कि कनाडा के अंदर खालिस्तान फल फूल रहा है। ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि भारत विरोधी नारे यहां लगाए जाते हैं और ट्रूडो सरकार कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन देती है, जिसकी वजह से कनाडा में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे भी लगाए जाते हैं और साजिश भी रची जाती है खालिस्तान को लेकर के। खालिस्तानी भगोड़े को यहां पर पनाह भी दी जाती है, क्योंकि अगर पनाह नहीं दी जाती तो उस लेवल पर कार्रवाई भी होती, लेकिन कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि कनाडा की सरकार इन्हें समर्थन दे रही है। लेकिन जब चीन के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे थे तो कुछ सीक्रेट बातें लीक हो गई थी। इस बात को लेकर ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच नोकझोंक हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग और ट्रूडो की बातचीत के वीडियो में देखा जा सकता है कि जिनपिंग एक ट्रांसलेटर के जरिए कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो से कह रहे हैं कि हमने जो भी चर्चा की वो मीडिया में लीक हो गई है, ये उचित नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन सी बात, इनकी कौन सी वो सीक्रेट बात है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो आपको बता दें कि भारत के बॉर्डर इलाके में जितना खतरनाक चीन है उससे कहीं ज्यादा भारत के अंदरूनी तोड़फोड़ करने और भारत को टुकड़े करने और खालिस्तानी सोच को लेकर के कनाडा की मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी है। और सरकार के मुखिया जस्टिन ट्रूडो इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेते हैं तो उनके समर्थन की बात भी लोग समझ ही जाते हैं। क्या ये लोग भारत के खिलाफ साजिश के बारे में बात कर रहे थे या फिर कोई और मामला था, क्या हुई थी बातचीत वो आपको बताते हैं। वीडियो में ट्रूडो ने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा स्वतंत्र और खुले तरीके से संवाद करने में विश्वास करता है। कनाडाई पीएम की इस बात पर नाराज शी जिनपिंग ने कहा कि ये बात करने का तरीका नहीं है। जिनपिंग की नाराजगी जाहिर करने पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, हम स्वतंत्र और खुले माहौल में साफ गोई के साथ संवाद करने में विश्वास करते हैं और यही हमारे पास रहेगा। हम रचनात्मक रूप से एक साथ काम करने जारी रखेंगे, लेकिन ऐसी चीजें भी होंगी जिन पर हम असहमत होंगे। और कनाडा सरकार के एक सूत्र ने रॉयटर को बताया कि ट्रूडो ने शी जिनपिंग के साथ अपनी वार्ता में चीन द्वारा संदिग्ध घरेलू हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता जताई। बता दें कि साल 2019 में हुए चुनाव में चीनी दखल के आरोप लगे थे, जिसको लेकर के ये पूरी नोकझोंक हुई थी। यानी कनाडा के अंदर चीन दखल देता है तो कनाडा के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से शिकायत करते, लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर फल फूल रहे खालिस्तानी सोच के लोगों की दखलअंदाजी बढ़ती है, वहां नारे लगाए जाते हैं, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या कनाडा के प्रधानमंत्री एक तरफा कार्रवाई चाहते हैं? क्या कनाडा में हो रही खालिस्तानी सोच को रोकना नहीं चाहिए या उनके घर में की गई हस्तक्षेप पर ही उन्हें शिकायत है? क्या है आपकी राय उस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।